नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो द एट्रोल शो में दोस्तों शनिवार का दिन है तारीख है 24 अप्रैल की और आप जुड़ चुके हैं है, मेरे साथ अकेडमी यूपीएससी के यूट्यूब पोर्टल पर दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करूँ मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुँच रहे हैं मेरी आवाज़ और विजुअल आप तक पहुंच रहे हैं दोस्तों जी हाँ सबको वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों सबको वेरी गुड मॉर्निंग चलिए शुरुआत करेंगे अपने सेशन की आज के आज के सेशन में क्या है बात करने के लिए आपसे क्या चर्चा का टॉपिक है हमारे पास कौन कौन सा आइटिकल है दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों फटाफट -फड़ बुला लीजिए इसको आना है चालू करेंगे फिर आपके संग सेशन को हम लोग यहाँ पर चलिए उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपने कल रात में जो मैंने ऐप पर एक क्लास लिया था टॉपिक था नेशनल हाइड्रो एनर्जी मिशन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन उसे देख लिया होगा उसे देख लिया होगा नहीं देखा है उसका पीडीएफ मैंने ग्रुप पर डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है आपके तो प्लीज़ पी एक्सेस कर लीजिएगा वहाँ से आप लोग और इस लेक्चर को देख लीजिएगा जो ऐप पर लिया था मैंने कल रात में साढ़े बजे ठीक है उसको नहीं देखा तो प्लीज़ आ देख लीजिएगा ठीक है कल हुआ था रात में ये नेशनल हाइड्रोनर्जी मिशन इसको देख लीजिए दोस्तों काम का है लेक्चर अपने ये हमने जो तो बात की दो दिन पहले आर्टिकल हाइड्रोजन तो उसको आप लिंक करेंगे तो आप जोड़ पाएंगे चले तो शुरुआत करें आज के सेशन के हम लोग आपके साथ तो दोस्तों है तो नेशनल हाइड्रो एनर्जी मिशन का लेक्चर दोस्तों पीडीएफ का डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप पर एक्सेस कर लीजिएगा वहां से और ऐप पर हुआ था रात को कल साढ़े ग्यारह बजे क्लास दोस्तों आपका चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की हम लोग यहाँ से मैं आगे बढ़ू उससे पहले आप जानते हैं दोस्तों एक शानदार प्लेटफॉर्म आपकी यूपीएससी तैयारी के लिए दोस्तों हमारे पास यूट्यूब चैनल है जहाँ यूट्यूब पर आपकी क्लास अभी ले रहे हैं और ऐसे कई चैनल चैनलमी के पास हैं साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं आपको जुड़ने के लिए आपके पास ऐप है और आज है सैटरडे का दिन जी शनिवार का दिन जो होता है आपका टेस्ट डे और आज दोस्तों होंगे बहुत टेस्ट आपके सबसे पहला टेस्ट इस क्लास के बाद होगा दिन में बारह बजे अभी बारह बजे होगा टेस्ट दोस्तों तारीख होगी चौबीस अप्रैल की और जगह होगी अन अकेडमी ऐप पर दोस्तों ठीक है ऐप पर पहुँच जाइएगा बारह बजे टेस्ट होगा करंट अफेयर्स का तो आज करंट अफेयर्स का टेस्ट है दोस्तों बैक टू बैक दो टेस्ट होंगे यहाँ पर तो तैयार रहेगा एक और दो टेस्ट होंगे बैक टू बैक बारह बजे से एक से सवा एक के बीच में दोस्तों दो टेस्ट होंगे आपके थर्टी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लेकिन क्या करना है आपको लो ये पहुँचना पड़ेगा ऐप पर बारह बजे उसके बाद इकोनॉमिक का टेस्ट है तीन बजे आपका हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर का और एनवायरमेंट का जी हाँ दोस्तों आज टेस्ट की बाहर है आपके लिए वहाँ पर टेस्ट होगा एनवायरमेंट का भी आज हिस्ट्री का भी और आर्ट एंड कल्चर का भी दोस्तों इकोनॉमिक का टेस्ट तो है ही है आपके लिए तो चार टेस्ट प्लस दो टेस्ट करंट अफेयर्स के छह टेस्ट शनिवार को बताते हैं सैटरडे मतलब टेस्ट डे दोस्तों सुपर सैटरडे हमारा टेस्ट सैटरडे होता है तो मनाएंगे आप, आपके संग ऐप पर आप इसको आज मेरे साथ ठीक है दोस्तों चलिए तो फटाफट सब लोग आ जाइएगा बारह बजे पहले शुरू करते हैं अपने लेक्चर में दोस्तों इसके अलावा जानते हैं अन टेस्ट तो चल ही रहे हैं आपके लिए इसका दोस्तों अनकेडमी जुड़ सकते हैं हमारे पास आप प्लस कोर्सेज हैं दोस्तों और आपके लिए और आइकॉनिक कोर्सेज हैं सर बच्चों जुड़ना जो जो चाहें सीरियस नेट बोल रहा हूँ जो जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं अच्छा समय समय अनदर मुझे लगता नहीं सिक्स टू आप थोड़ा तो सा फोर टू तो सिक्स मंथ के लिए आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं और आप तैयारी कर रहे हैं गंभीर छात्र हैं तो आप जुड़ सकते हैं अन अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जो अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं आपके साथ मैं खुएम जुड़ा हुआ हूँ लगातार हमारी क्लासेस हो रही हैं वहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है आजकल कल बहुत जल्दी आपके अन्य कोर्स लॉन्च होने वाले हैं वहाँ पर आपके साथ तो प्लीज़ जुड़ना चाहें जुड़िए हमारे साथ उन कोर्सेज में उन उन क्लासेज में दोस्तों आप लोग इसके अलावा दोस्तों अन अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक आइकॉनिक में क्या कैसा पर्सनल गाइडेंस भी है टेस्ट एनालिसिस भी है एक्सपर्ट आपको गाइडलाइंस मिलेंगी दोस्तों जो हमारे मैंटोर है वहाँ पर हमारे अलावा जो अन्य मैं ट्रॉस हैं वन टू वन डील करेंगे आपसे बात करेंगे आपके प्रैक्टिस कराएंगे तो ऑफकोर्स आइकॉनिक में आपको छो सुविधाएं मिल जाएंगी दोस्तों इसके अलावा ऑप्शनल प्लस जी के बैच भी चल रहे हैं कॉम्बो ऑफर में जहाँ पर कंबाइंड आप एक साथ ले सकते हैं ऑप्शनल जी के बैचेज दोस्तों इसके अलावा इस समय आप जानते हैं इस समय आप लेते हैं तो फोर इन वन का ऑफर है जहाँ पर बुक्स हैं आपके लिए मेगा सब्सक्रिप्शन है यानी कि आपकी वैलिडिटी मोर देन वन ईयर की रहेगी दोस्तों लोन का ऑफर भी लाया है इस समय आपके लिए और कहीं ना कहीं डिस्काउंट तो चलता है टेन का वो तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों आपको तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इन कोर्सेज से दोस्तों जुड़ने के लिए क्या करना है जुड़ने के लिए हमारे ऐप पर जाकर प्लस को सब्सक्राइब करना है दोस्तों तो वन ईयर बैच टू ईयर बैच और एन बैच सब कुछ चल रहा है दोस्तों वहाँ पर आकर मेरे बैच तो नहीं ये पढ़ने के लिए आपके पास तो जुड़िए हमारी फ्री टेस्ट सीरीज से और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों संडे को होगा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट एक अच्छा मौका है अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन हासिल करने का दोस्तों तो स्कॉलरशिप टेस्ट है अन अकेडमी की ओर से आइए ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी टेस्ट को हमारे अच्छे मार्क्स लेकर आइए टॉप थ्री टॉप फाइव टॉप टेन में आइए दोस्तों और जीत सकते हैं हमारे साथ आप स्कॉलरशिप हमारी तो क्या करना है इसके लिए आपको आना है संडे को सुबह ग्यारह बजे अन अकेडमी ऐप के ऊपर और देना है कॉम्बैक्ट सर कॉम्बैक्ट में क्या करना है दोस्तों कॉम्बैक्ट सिक्सटी मिनट सिक्सटी क्वेश्चन संडे सुबह ग्यारह बजे होगा दोस्तों ये और ये हिंदी में भी होता है इंग्लिश दोनों भाषा में होता है दोस्तों आइए जुड़िए और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जुड़ने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों एक कोड और जो कोड क्या है आपका और क्या होना चाहिए आपका कोड आपका कोड दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये वो कोड है जो आपको याद रखना है अन अकेडमी पर कोई भी एडमिशन लेने के लिए अनएकेडमी पर किसी भी कोर्स में एनरोल होने के लिए टेस्ट देने के लिए कॉम्बैट पार्टिसिपेट करने के लिए आपका अपना कोर्ट आशीर्वाद टैन दोस्तों ठीक है तो आशीर्वाद टेन यूज़ कीजिएगा और अन अकेडमी को ज्वाइन कीजिएगा आराम से चलते हैं दोस्तों आराम से आपके साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे आपके साथ आज के सेशन में आज के कंपाउंड क्या है सर हमारे आर्टिकल्स में सर चलिए सर आगे बढ़ते हैं आपके साथ क्या है आज के द हिंदू में चलिए सर देखते हैं एक बार सब लोग फटाफट एक एक बटन दबा दो माना पड़ जाए सब कुछ ठीक है हमारे बीच फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से ठीक है चल ओके आज के हिंदू कैटल में क्या क्या है सर आ, एक आर्टिकल है कोविड क्राइसिस पर किस प्रकार कोविड क्राइसिस बढ़ रही है आवश्यकता नहीं है सर ठीक है सर महाराष्ट्र के अस्पताल में आग लगी आ, छोड़ सकते हैं इस आर्टिकल को हम लोग कमल हसन जी हाँ साउथ के फिल्म सुपरस्टार और पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहाँ के एमएनएम के नेता उनका एक आर्टिकल आया है थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस के ऊपर जी हाँ पंचायती राज के ऊपर क्योंकि आज पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल 1993 जब स्थापना हुई थी पंचायती राज अधिनियम की एक्ट पास हुआ था लागू हुआ था और कहीं ना कहीं उस पर एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है कि पंचायती राज की थर्ड लेयर गवर्नेंस की तमिलनाडु में कैसा काम कर रही है तो तमिलनाडु पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वहाँ की वहाँ के सी को और वहाँ की सरकार को ये हमारा काम है इसमें से अच्छी बातें निकालना कि रोल और फंक्शन ऑफ़ पंचायत क्या हैं और क्या चुनौतियाँ सामने आ रही हैं जो अस आर्टिकल में दिया है जो नहीं दिया है वो मैं कराऊंगा आपको दोस्तों और इसके अलावा एक आर्टिकल हमारे पास है टू लिटिल यानी कि जो बात चल रही है हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो काम किया है चुनाव संबंधित बंगाल में क्या वो बहुत अच्छा प्रयास है क्या का छोटा प्रयास है इस टू लिटिल बहुत कम प्रयास है दोस्तों तो ये आप जानते हैं एक पेज पे आर्टिकल आते हैं इसके अलावा एक आर्टिकल निकाला है मैंने आपके लिए इंडिया जापान जापा ने बात करने के लिए इंडिया जापान एफ पर बात करेंगे दोस्तों तीन आर्टिकल चर्चा करने के लिए मेरे पास अगले पच्चीस से तीस मिनट के अंदर तीनों की बात करेंगे हम लोग फटाफट आपके साथ आइए शुरू करते हैं आपने क्या है लेक्चर में आज के फटाफट पहला है पहला आर्टिकल लेंगे दोस्तों टू लिटिल यानी चुनाव आयोग ने बंगाल में जो निर्देश जारी किए हैं चुनाव को लेकर उसको लेकर थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं छोटा सा हम लोग यहाँ पर हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा पॉलिटिकल एंगल दोस्तों आइए आर्टिकल है टू लिटिल यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रयास किए हैं बंगाल के अंदर क्या वो पर्याप्त हैं कहाँ मैंने तैयार मैंने कल आपको मैंने फीडबैक लिया था नए मेथड पर आपने कहा अच्छा लगा मेथड सर तो ठीक है फिर मैंने हिसाब से और चीज़ तैयार की है आपके लिए तो इलेक्शन कमीशन ऑन वेस्ट बंगाल और आर्टिकल को मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है आपके लिए फटाफट आते हैं हम लोग एक एक पॉइंट मैंने क्या क्या लिखा है डिकोड करते हैं अपनी भाषा में आसान भाषा में सर इसको <coughs> चलिए ओके okay. पहला पार्ट इलेक्शन कमीशन ऑन वेस्ट बंगाल इलेक्शन ठीक है वेस्ट बंगाल चुनाव पर चुनाव चुनाव आयोग क्या कह रहा है पहली बात तो नियम ही क्या हुआ है सर चुनाव आयोग ने नए नियम जारी किए हैं सिक्स और सेवन्थ फेज़ की वोटिंग के लिए रैली के लिए नए नियम जारी किए हैं उसमें इन पॉइंट बात है रिस्ट्रिक्ट कैंपेनिंग जी हाँ चुनाव आयोग ने जो प्रचार का तरीका है उसे काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उसे काफ़ी प्रतिबंधित कर दिया है कहा गया कि पाँच के लोग ऊपर रैली नहीं कर सकते आप वहाँ पर और चुनाव जिस दिन वोटिंग होनी है उसके बहत्तर घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म करना होगा या तो ये एक बड़ी बातें हैं जो बदलाव आया है यहाँ पर और ऐसे कई और प्रयास किए हैं कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने जो प्रयास किए हैं सर वो निश्चित तौर पर एक 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 प्रयास है जिससे संक्रमण ना बढ़े ये बात क्लियर बात हो चुकी है संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है कई कई शहरों में तो पंद्रह सौ परसेंट कोरोना इन्फेक्शन बढ़ गया है वेस्ट बंगाल के शहरों में और कई लोग मानते हैं एक तो लोग मानते हैं इसके पीछे चुनाव प्रचार ही जिम्मेदार है ठीक है चलिए अब इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाया रिस्ट्रिक्ट किया चुनाव प्रचार को और फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी कहा कि वो अब प्रचार नहीं करेंगे कांग्रेस ने ममता दीदी ने मोदी साहब ने कहा कि प्रचार नहीं करेंगे वो तो एक अच्छा इनिशिएटिव है अपने आप में कि आप अपने नेता समझ रहे हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी है शायद मुझे लगता है इसकी घोषणा होते होते बहुत देर हो गई है बहुत जल्दी होना चाहिए था ये काम और आवश्यकता थी कि चुनाव आयोग बहुत पहले सोचता है इस बारे में ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके परिणाम अच्छे परिणाम क्या होंगे सर पॉजिटिव आस्पेक्ट क्या है इस चीज़ का पहली बात तो कोरोना केस कम होंगे अपने आप में कोरोना केस के विस्तार कम होगा अपने आप में लॉकडाउन तो नहीं लगा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो मास स्प्रेड रैली होती हैं बड़े स्कल स्प्रेड मास होता कोरोना बढ़ता है वो कम होगा कहीं ना कहीं सर इससे और दूसरा बंगाल जो ऑलरेडी काफ़ी वीक स्टेट है काफ़ी कमज़ोर राज्य है इसका वर्नेबल सिस्टम है इसका हेल्थ इंफ्रा बहुत अच्छा नहीं है वैसे ही पढ़ते हैं मालदा के अस्पताल में आग लग गई बच्चे जल के मर गए आए दिन घटनाएं सुनते रहते हैं कभी किसी अस्पताल में बच्चों की मौत हो जाती है तो वहाँ का हेल्थ इंफ्रा काफ़ी अच्छा नहीं है ऐसे में कोरोना की संख्या बढ़ने का मतलब होता है हेल्थ सिस्टम का कोलेप्स हो जाना तो एटलीस्ट चुनाव आयोग का अच्छा काम है कम से कम आपने लेट ही सही लेकिन रोका लोगों को प्रचार करने से रैली करने से तो शायद आप बंगाल के हेल्थ इंफ्रा को थोड़ा बचा पाएंगे अच्छी बात है दोनों सर लेकिन डिबेट जो है हमारी सर आर्टिकल की डिबेट ओवर द नंबर ऑफ फेजस पर है चुनाव के कितने चरण हों जैसे आप जानते हैं सात चरण चुनाव हो रहा है पूरा का पूरा ये पाँच फेज छः से सात फेज बचे हैं सर वही यहाँ पर होने के लिए सिक्स सेवन फेज बचे हैं दो फेज़ सर तो यहाँ पर बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही थी शुरू से कि सात चरण बहुत ज़्यादा हैं हमने देखा किस प्रकार तमिलनाडु में एक चरण में केरल में एक चरण में असम में कुछ चरणों में और बंगाल में लगभग सात चरणों में इलेक्शन हुआ और ये देखने बार बार आया है कि जो नॉर्थ इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं वो ज़्यादा चरणों में होते हैं और साउथ इंडिया इवन कर्नाटक की बात करें या आप क्या आंध्रा तेलंगाना की बात करें एक चरण में चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगते हैं मैं आरोप की बात कर रहा हूँ आरोप लगते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आयोग उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ चरण में चुनाव कराता है और उतनी ही सीटें दक्षिण भारत में होती हैं तो एक चरण में चुनाव संपन्न हो जाते हैं आ, तो यहाँ पर चुनाव आयोग का दस्ता एक तरीका होता है कि कई राज्य हिंसाग्रस्त हैं नक्सली हिंसा होती है तो ऐसे में हमको अब राजस्थान में कोई नक्सली हिंसा नहीं है अपने आप में एम में कोई नक्सली हिंसा नहीं है फिर या गुजरात में कोई नक्सली हिंसा नहीं है तो ये अपने आप में कोई स्टेटमेंट टेक नहीं पाता तो ये माना जाता है कि चुनाव आयोग सरकार के कहने पर काम करता है तो यहाँ पर एक थोड़ा पॉलिटिकल हो एक रुक जाइए यहाँ पर रेस्ट ऑफ द पार्टीज़ और बीजेपी के अलावा अन्य पार्टीज़ हैं सर वो कहती हैं कि चुनाव चरण कम होने चाहिए चुनावी चरणों की संख्या कम होनी चाहिए उनका मानना है कि इससे जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं उनको ज़्यादा रैली करने का मौका मिलता है बात सही भी है कोई जानता है इस बारे में ज़्यादा रैलियाँ वो कर पाते हैं जितने ज़्यादा रैली मोदी साहब करेंगे अमित शाह जी करेंगे या और सीनियर स्टार कैंपेनर बीजेपी के पास है वो करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्शन उनको फ़ायदा होता है ये एक बात बहुत प्रूफ वन बात है अपने आप इसमें दो राय नहीं है जितना मोदी साहब का मैजिक है देश के अंदर उस हाब से जितनी ज़्यादा रैली वो करेंगे उतना वोटर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है इसमें कोई दो राय देश को नहीं है तो ऐसे में अपोजिशन पार्टी का मानना होता है कि ये तो बहुत ख़राब काम है हमारे पास कोई ऐसा प्रचारक नहीं है हम तो रैली करते हैं लोग दूर भग जाते हैं हमसे तो तो हमें ऐसा जांच का चुनाव नहीं चाहिए वहीं बीजेपी की बात करें पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा थोड़ा सा थो नाम लेके बात करें बीजेपी का एक तरफ तो बीजेपी का स्टेटमेंट दुनिया देश के लिए है कि एक राज्य एक राष्ट्र एक चुनाव कि सब चुनाव एक साथ हो जाए हमारे देश में सारे चुनाव एक साथ कराने की बात करते हैं लेकिन जब राज्यों की बात आती है और जब चरणों की बात आती है तो कई चरणों फैला देते हैं पूरे चीज़ों को हम लोग कि कई चरणों में हो तो फ़ायदा मिलेगा स्टार कैंपेनर को मौका मिलेगा प्रचार करने का तो ये दो तरफा बात है एक प्रकार से एक दो तरफा बात है बीजेपी की एक तरफ वो बात कहती है वन नेशन वन इलेक्शन की वन नेशन वन इलेक्शन की वहीं दूसरी देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है पॉलिटिकल प्रेशर में काम करता है इसमें कोई दो राय नहीं मतलब आप बोल सकते हैं कि ना लिखें कॉपी में लेकिन हर कोई जानता है चुनाव आयोग किस किस प्रकार काम करता है चुनाव आयोग के बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं बात आरोपी काफ़ी हद तक सही होते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं एक तरफ चुनाव आयोग सात चरण में ले जा रहा है चुनावों को एक तरफ एक पार्टी कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के अंदर दो दोहरा रवैया दिखता है हमको एक मुद्दे के ऊपर वहीं बाकी पोलिटिकल पार्टी कहती हैं कि सात चरण में भी आवश्यकता नहीं थी चुनाव की दो या मैगजिम तीन चरण में चुनाव हो सकता था और वो कह रही हैं कि बाकी चरण को मर्ज कर दिया जाए बाकी चरण को मिला दिया जाए तो शायद नंबर ऑफ कोरोना केस कम हो जाएंगे लेकिन चुनाव आयोग अभी भी ये काम नहीं कर रहा है उनका कहना है कि नहीं चुनाव अपने समय पर ही होंगे सातों चरण में होंगे तो निश्चित तौर पर एक छोटा सा आर्टिकल कि चुनाव आयोग का जो प्रसा जो काम है वो तो छोटा काफ़ी कम है अपने आप में काफ़ी देर से हुआ है लेकिन एक नज़ीर पेश की भैया हाँ ऐसा हो सकता है हम रोक सकते हैं चुनाव के बीच में महामारी आपदा के लिए हम लोग स्पेस बना के रखते हैं दोस्तों लेकिन ठीक है काफ़ी देर हो चुकी है इस मामले में ये है छोटा सा आर्टिकल दोस्तों आपके साथ उम्मीद कर रहा हूँ ये आर्टिकल आपको समझ में आगे होगा क्या आगे है दोस्तों आर्टिकल आपको समझ में क्या ये आर्टिकल दोस्तों क्लियर है आपको मतलब एक बड़ा अजीब सा मुझे स्टेटमेंट पढ़ने में आया पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्योंकि अब आर्टिकल में लिखा है इसलिए पढ़कर सुना देता हूँ मैं आपको यहाँ पर जब मैं आप कहूँ यहाँ पर तो एक में यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट बात है ये ऐसा है तो बहुत खतरनाक बात है इस पर लिखा है चुकी आर्टिकल के अंदर मैं प्रदर्शन सुनाता हूँ द बीजेपी लीडर्स डिक्लेयर दैर वॉज नो कोरिलेशन बिटवीन द रैली टर्न आउट्स एंड द स्प्रेड ऑफ द पैंडमिक जी हाँ ये बीजेपी नेताओं का मानना है कि कोई सहज संबंध नहीं है चुनावी रैलियों में बढ़ती भीड़ और इस आपदा के प्रसार के बीच कोई संबंध नहीं है ये कोट अनकोट द हिंदू एटोल कम कर रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं जोड़ रहा हूँ ऑनलाइन यहाँ पर और मैं कुछ कमेंट कर रहा हूँ इस पर ये बीजेपी ऐसी जिम्मेदार पार्टी का रवैया है यहाँ पर कि चुनाव प्रचार की जो रैलियाँ हैं और जो आपदा है इनके बीच कोई संबंध नहीं है ये अखबार ने कोट किया है और निश्चित तौर पर हम देखते हैं किस प्रकार रैली को ग्लैमराइज़ करते हैं कि इतनी पचास हज़ार या पाँच लाख लोग आए हैं रैली के अंदर और फिर कहते हैं यहाँ पर कोई आपदा नहीं है रैली ऑफ कोर्स भीड़ तो वहाँ भी हो रही है मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे कि बाकी पार्टियाँ निर्दोष है लेकिन यहाँ पर जो अखबार ने इसको कोट किया है और मैं इसीलिए कोट कर सकता हूँ बाकी को मैं नहीं कह सकता लेकिन ये बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया होगा कहीं ना कहीं तभी अखबार ने कोर्ट किया है कि हमारी रैली और प्रसार इस कोरोना के प्रचार में कोरोना के विस्तार में कोई सहज संबंध नहीं है तो निश्चित तौर पर ये बातें जोड़नी पड़ेंगी हमको यहाँ पर चलिए वाट अबाउट बाहर आते हैं हम लोग आर्टिकल से पहला आर्टिकल हमारा खत्म होता है पॉलिटिकल हमको नहीं जाना है यहाँ पर हमारा काम है कि इलेक्शन कमीशन को समझना होगा और भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हो। क्या अगर चुनाव अवॉइड हो सकते हैं सपदा के समय तो अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए था और अनअवॉइडेबल थे तो निश्चित तौर तो पे क्योंकि संविधान परमिशन देता है संविधान चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि वो कुछ समय के लिए चुनाव को टाल सकता है अगर राज्य की परिस्थितियां नहीं है चुनाव कराने की तो उसको टालने का प्रावधान हमारे यहाँ पर है संविधान ने दिया है शक्ति हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग को तो करना चाहिए प्रयोग उनका लेकिन नहीं किया गया और आपदा के समय चुनाव कराए गए हैं दोस्तों चलिए प्लीज़ मूव करेंगे दोस्तों दूसरे सेकंड आर्टिकल पर सेकंड आर्टिकल पर जो कमल हसन ने लिखा है रिगार्डिंग ग्राम सभा या थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस पर उस पर आऊंगा दोस्तों में थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस राज डे है आज 24 अप्रैल का दोस्तों तो 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है 1993 में 73 थ्री अमेंडमेंट एक्ट पास लागू हुआ था तिहत्तरवा संविधान संशोधन लागू हुआ था और पंचायती राज को जोड़ा गया था हमारे संविधान के अंदर सर तो आज है पंचायती राज दिवस चौदह चौबीस अप्रैल को दोस्तों उस पर आर्टिकल लिखा है कमल हसन चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और उनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल पॉलिटिकल आर्टिकल माना जाएगा लेकिन एक बात उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाए हैं तमिलनाडु के ए आई के सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आपने पंचायती चुनाव नहीं कराए हैं नाइन्टीन से हर पाँच साल में चुनाव होते रहे पंचायतों के लेकिन इस बार ऐसा साल गया पिछली बेट जहाँ पर चुनाव नहीं कराए गए आपदा की वजह से नहीं आपदा रीज़न नहीं था वहाँ के वहाँ के जो सीएम साहब हैं ए आई के पार्टी के और वहाँ की जो गवर्नेंस है उसने कहा कि हमने नौ नए जिले बनाए हैं जो डिस्ट्रिक्ट थी पहले बढ़ा दी गई है संख्या और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दिए गए हैं नौ नए जिले बनाए हैं जिसके बाद जिलों का प्रॉपर वे में डीमारकेशन करना पंचायतों का डीमारकेशन करना बचा हुआ है और इस कारण चुनाव नहीं करा रहे हैं तो ऐसे में बहुत सीधी बात है ये कोई कोरोना आपदा के कारण नहीं रोके चुनाव उन्होंने रोके केवल प्रॉपर डी ऑफ अप योर डिस्ट्रिक्ट और, और ब्लॉक पंचायत लेवल पर इसलिए चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं दोस्तों ये लगातार बात सामने आ रही है हमने कई राज्यों में देखा है इस चीज़ को हमने गोवा से एग्जाम्पल देखा जहां पर राज्य चुनाव आयोग के पद पर एक ब्यूरोक्रेट को बैठा दिया गया करंट ब्यूरोक्रेट को बैठा दिया गया तुम ये भी काम करो ये भी काम कर लो तुम लॉ सेक्रेटरी हो मंत्रालय के और ये भी देख लो सुप्रीम कोर्ट डाटा स्वामी को लेकर आंध्र प्रदेश में देखा किस प्रकार राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष का पंगा चल रहा है वहाँ के सी से लोकल चुनाव कराने के बाद फिर हटाने की बात फिर स्टे किया उनको हटाया गया पद से खूब हंगामा हो रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर नाव वी हैव तमिलनाडु जहाँ पर चुनाव ही नहीं करा रही है सरकार जहाँ पर चुनाव टाल दिए कारण क्या दिया गया कि नौ नए जिले बनाए हैं नए न्यू डिस्ट्रिक्ट तैयार किए हैं और देश के कुछ तक कुछ नॉर्थ ईस्ट इलाकों में भी हमने देखा है पंचायती राज प्रणाली बहुत स्ट्रांग अभी तक नहीं हो पाई है या वो आ, या वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में कटपुलती बन के रह गई है हमें समझना होगा अभी हमने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि ये आप मैं कहना मानते हैं केंद्र सरकार का ऐसी राज्य का निर्वाचन आयोग राज्य का स्टेट इलेक्शन कमीशन कटपुलती बन के रह गया राज्य सरकारों को यह भी हमको स्वीकारना होगा पैरलर में आइए दोस्तों कई केस हमारे पास आ चुके हैं एक एक करके कई के केस हम देखें तो कई केस हमारे सामने जहाँ पर लोकल बॉडी को सप्रेस किया जा रहा है लोकल बॉडी के इलेक्शन लोकल की फंडिंग उनके इलेक्शन कराने के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो साफ पारदर्शी होने चाहिए उन पर काफी प्रेशर बनाया जा रहा है यहाँ तो इंस्टीट्यूशन की बात है और यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं लेकिन चुनाव ही नहीं कराए गए अपने आप में और यहाँ पर कई और मैटर्स भी जुड़े हुए हैं दोस्तों तो एंड पॉइंट बात है कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की वो पक्षधर हैं या नहीं हमारी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारें थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस चाहती भी हैं या नहीं तो आइए दोस्तों चर्चा करें इस विशेष मुद्दे पर आज अपने साथ चलिए तो बैकग्राउंड तो लगता नहीं है कि भारत में पंचायती राज कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है लक्ष्मीकांत ने बड़े अच्छा सा दिया पूरा कहानी बना के इन्होंने लॉर्ड मेयो जब ब्रिटिश काल था मद्रास में पहला स्टेट मद्रास ही था उसमें मद्रास प्रोविंस था जहाँ उन्होंने एक म्यूनसिपैलिटी की स्थापना की लोकल अधिकार दिए लोकल बॉडी को फिर लोकल बॉडी का अधिकार बढ़ते चले गए समय के साथ अंग्रेजों ने आ, लोकल बॉडीज़ बनाई म्यूनसिपैलिटी बनाई ऑलरेडी भारत में साउथ इंडिया में खासकर ग्राम सभा का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था आप चोलास के काल में पढ़ते हैं चोलों के राज्य में पढ़ते हैं किस प्रकार वहाँ पर छोटी वहाँ पर ग्राम सभा ही हुआ करती थी और वो सेल्फ रूल करा करती थी स्वायत्त शासन करा करती थी तो तमिलनाडु में लंबा छोड़ा इतिहास रहा इनका सर चोल काल देखें आप चोलास का काल देखें द ग्रेट चोलास का बात करें टेंथ एलेवेंथ सेंचुरी में ग्राम स्वराज था इनके अपने आपने ऑटोनोमस थी अपनी बॉडी सर इनकी ब्रिटिशर्स ने मद्रास प्रांत में पहले नगर निगम की स्थापना की ब्रिटिशर्स ने भी तो ये भी हम देखते हैं आज़ादी के बाद जिस प्रकार राजस्थान के नागौर से जो हमने पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की फाइनली इनको एक संवैधानिक दर्जा मिला सौ साल बाद आकर लगभग या मद्रास के बनने के लगभग सौ साल बाद आकर 1993 में पंचायती राज दिवस के दिन है राज एक्ट लागू किया गया देश के अंदर ठीक है कोई समस्या नहीं है हमको सर लेकिन ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट ईयर्स हो गए हैं आज सर पंचायती राज को तो क्या भारत में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हो पाई हैं कुछ चुनौतियां हैं इनके सामने और क्या समाधान है सीधे हम बात करेंगे मेरे आर्टिकल्स में मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नोट्स में लिखवाता हूँ वो आप लोग भी लिख लीजिए दोस्तों लि� क्या चुनौतियाँ हैं और क्या समाधान है पंचायती राज संस्थानों के सामने ये समस्याएं बार बार आ रही हैं प्लस नई समस्याएं जोड़ लेंगे हम लोग यहां पर अपना आर्टिकल पूरा कर पाएंगे दोस्तों हम लोग आइए बात करते हैं आपके साथ मुद्दे पड़ेगा ओके <coughs> <coughs> okay. पहली बात तो सर पहली बात तो इव्यूलेट कर लें आपके संग मूल्यांकन कर लें आपके थोड़ा समय चाहूंगा मैं रेड कलर का प्रयोग कर लेता हूं पेन यहां पर आइए अट्ठाईस सालों का मूल्यांकन कर रहा हूँ दोस्तों कुछ पॉइंट्स में आपके साथ में यहाँ पर क्या माना जाएगा पहली बात तो आ, इनकी सफलता क्या रही है मूल्यांकन में सफलता क्या है सर इनकी सफलता है सर ये एक गवर्नेंस का एक मॉडल देने में सफल रहे हैं आ, अगर हम बात करें क्रिएटिंग अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जी हाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार के बाद तीसरा स्ट्रक्चर तीसरी लेयर तैयार हुई है तो पंचायती राज कानून ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने गवर्नेंस का तीसरा स्तर दे दिया हमको सर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया सर ग्रास रूट से तो पहला फायदा गवर्नेंस का तीसरा स्तर दूसरा फायदा राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो जी हाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है ग्रास रूट पर आज अब मैं यूपी के चुनाव देख रहा था प्रधानी पद के चुनाव होते हैं वहाँ पर और हम चुनाव देख रहे हैं वहाँ पर जो हो रहे हैं इस समय माशाला चुनाव चल रहे हैं देखा जाए तो आ, लोग लाइन ला के वोटिंग कर रहे हैं कोई कोरोना नहीं है उस जगह जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं पहुंच पाता है तो मैंने पहले भी कहा दिल्ली में चुनाव करा देने चाहिए तुरंत यहां पर घोषणा कर देनी चाहिए चुनाव होगी दिल्ली से भी कोरोना गायब हो जाएगा तो पंचायती राज में चुनाव चल रहे हैं प्रधान पद के प्रधान पद के तो हम देख रहे हैं वहां भी किस प्रकार ग्रास रूट पॉलिटिक्स मजबूत हो रही है ग्रास रूट पर राजनीति मजबूत हो रही है सर तो ग्रास रूट लीडर मिलते हैं सर हमको यहाँ पर जमीन से जुड़े नेता मिलते हैं सर हमको यहाँ पर लेकिन लेकिन एक और ये पक्ष है कि फेल टू प्रोवाइड बेटर गवर्नेंस हमने जो सोचा था कि हमें सुशासन का एक अच्छा तरीका मिलेगा तीसरा तरीका मिलेगा नेता यहां यहाँ तो ठीक तो है चुनाव भी हो रहे हैं और नेताजी भी आ रहे हैं लेकिन चुनाव का उद्देश्य या नेताजी का उद्देश्य इनको लाना नहीं था गवर्नेंस को बेहतर करना था तो ये बात सही है कि ये बॉडीज अच्छा गवर्नेंस देने में फेल रही हैं अट्ठाईस सालों बाद इसमें कोई दो नहीं है सर ठीक है आइए अगर हम डेटा वाइज बात करें तो अच्छी बातें ये से हैं सर कि लगभग देश में ढाई लाख ग्राम पंचायतें हैं ढाई लाख ग्राम पंचायतें हैं सर ढाई लाख पीआरआई इंस्टीट्यूट हैं सर हमारे पास पंचायती राज संस्थान ढाई लाख के आसपास और तकरीबन तीन मिलियन यानी तीस लाख हमारे पास चुने हुए नेता पंच सरपंच आदि हैं तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में तीन मिलियन तीस लाख लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं तीस लाख हमारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं नेतागिरी का काम कर रहे हैं ठीक है सर तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है इन रोज़गार तो नहीं छोड़ दीजिए तीस लाख लोग नेता बन के तैयार हो रहे हैं ग्रास रूट पर नेताजी बन रहे हैं ठीक है सर उससे भी अच्छी बात क्या है सर एक तिहाई महिलाएँ हैं इसके अंदर ये तो आरक्षण दिया ही है कई राज्यों ने पचास तक कर दिया है तो संख्या बल के मैं चलूँ लेकर आपको संख्या बल पर मैं चलूँ अगर तो यहाँ पर आंकड़ा मिलता है मुझे सर क्या लगभग 1.4 मिलियन जो है सर महिलाएं हैं इसके अंदर तो अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ तो यहां पर हम देखते हैं डेटा जो हमारे पास है तो कुल मिला के तीस लाख अगर टोटल रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास है मैं चौदह लाख सर कौन है विमेन रिप्रेजेंटेटिव है महिलाएं हैं सर तो अच्छी बात है अपने आप में एक तिहाई तो गारंटी थी लेकिन कई राज्यों ने पचास दिया है तो चौदह लाख महिलाएँ हैं यहाँ पर जो ग्रास रूट पर नेतृत्व तो क्षमता दिखा रही हैं नेता बन के सामने आई हैं सर अच्छी बात है सर यहाँ भी अच्छी बात है आइए आगे बढ़ें आपके साथ और क्या फ़ायदा हुआ है सर और क्या आ, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ है सर यहाँ पर इसके अलावा सर एस सी वर्क से महिला पुरुष आगे आए हैं ग्रास वर्नेबल सेक्शन से आगे आए हैं तो एस सी को यहाँ पर फ़ायदा हुआ है कम से कम या इस समूह को फ़ायदा हुआ चुनावी प्रतिनिधित्व तो मिला है सर इनको यहाँ पर ये यह फ़ायदा हम देखते हैं इसके अलावा सर आ, लगातार इनके होने से फंड्स आ रहे हैं फंड्स आने की समस्या थी फंड नहीं आते थे फंड्स तो आ रहे हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन संस्थाएं पैसा पहुंचा रही हैं यहाँ पर सर तो हम देखते हैं किस प्रकार सेंट्रल फाइनेंस कमीशन या केंद्रीय वित्त आयोग जो होता है पंद्रह हो चुके अब तक या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन इन तक पैसा पहुँचा रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं तक फंड्स पहुँच रहे हैं तो पैसा ऊपर से नीचे पहुंचने का मैकेनिज्म तैयार हो पाए हमारे पास तो काफी अच्छा काम हुआ है इन दो जगहों पर ठीक है सर तो पैसा आया नेता चुने गए महिलाएं आगे आई एस सी एस टी आगे आए, आए ग्रासरूट डेमोक्रेसी बनी ग्रास रूट नेता बने गवर्नेंस थोड़ा फेला लेकिन काफी अच्छे सिस्टम दिखता है मूल्यांकन करें तो यहाँ तक सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है सब कुछ ग्रीन दिखता है मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों आपके साथ आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर अब आते हैं सर सेकेंड आस्पेक्ट पर कह रहा है सेकंड आस्पेक्ट पर मैं आपको लेकर आऊँ दोस्तों इशूज चुनौतियां मुद्दे अच्छी बात तो आपने देखी अट्ठाईस साल का का अट्ठाईस साल का बैकग्राउंड देख लिया आपने लेकिन कुछ कमियां हैं सर कुछ कमियां चल रही हैं आइए कमियां क्या हैं सर जैसे कि थोड़ा तो सा जूम कर लेते हैं जैसे कि सर लैक ऑफ फंड्स जी हाँ पर्याप्त कोष का अभाव है शॉर्ट में इतने जाए पर्याप्त कोषों का को अभाव है सर इनके पास इनके पास पर्याप्त कोष नहीं पहुँच पाते हैं इवन इनके पास इतने अधिकार भी नहीं हैं आवश्यकता है कि इनको कोष दिया जाए इनको पैसा दिया जाए इनको अधिकार दिया जाए पैसा कलेक्ट करने का खुद से खुद के रिसोर्स खुद के टैक्स लगा कर कलेक्ट कर सकें वो भी नहीं है सर तो पहली कमी है पैसे की सर पर्याप्त कोष नहीं है और इनके खुद के रिसोर्स कलेक्ट करने का अधिकार भी नहीं है दो बातें सर इनके पास दूसरा सर एम पी जो होते हैं अपने आपको नेता मानते हैं यहाँ का तो उनका हस्तक्षेप होता है पंचायत के अंदर उनके इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो एम पी एम एल ए का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होना सांसद का विधायक का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होना पंचायत की कार्यप्रणाली में सर ठीक है इसके अलावा सर तिहत्तरवें संविधान संशोधन से ने सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट ने उम्मीद की थी कि राज्य अपने अधिकारों को अपने जो सब्जेक्ट हैं स्टेट के उनमें से वो ट्रांसफर करेंगे अधिकार पंचायत राज को इससे वो खुद कानून बना पाएंगे इलेवेंथ शेड्यूल ट्वेल्थ शेड्यूल में देखिए संविधान में जोड़ी गई संविधान में बाद में कि ये अधिकार पंचायतों को मिलने चाहिए लेकिन राज्य ऐसा करने में असफल रहे हैं राज्यों ने बहुत सारे अधिकार पंचायतों को नहीं दिए चाहे वो अधिकार हों कई प्रकार के वित्त के हों या और शक्तियाँ हों तो यहाँ पर फेल रहे हैं राज्य आ, उनको ताकत नहीं मिल पाई है यहाँ पर तो याद रखिएगा एक बड़ी समस्या क्या आई है सर तो क्रिएशन ऑफ लोकल गवर्निंग बॉडी तो बन गई लेकिन डिसीजन जो है डेलीगेट करने का पावर यहाँ पर वो कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पाया हमने राज्य विधायिका पर छोड़ दिया कि क्या क्या आपको अधिकार देने हैं पंचायतों को आप देख लीजिए लेकिन राज्य विधायिका ने बहुत अधिकार नहीं दिए हैं तो अधिकार नहीं है पैसा नहीं है ऊपर से इंटरफेयर करते हैं आज़ादी भी नहीं है मतलब एक प्रकार से मुझे कहा जाए और आइए सर और क्या नहीं है इसके अलावा सर इसके अलावा एक बड़ी समस्या सर क्या है यहाँ पर और समस्या सुनेंगे आपके साथ द ट्रांसफर ऑफ़ वेरियस गवर्नेंस फंक्शन लाइक द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन हेल्थ सैनिटेशन वाटर वॉज नॉट मैंडेटेड ठीक है अब कई मुद्दे ऐसे हैं जो होने चाहिए लोकल बॉडी के हाथ में उनके हाथ में नहीं होते चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो हेल्थ का मुद्दा हो जो उनके हाथ में नहीं है जो उनके हाथ में होना चाहिए था कई मुख्य मुद्दे होते हैं वहाँ पर आ, स्टेट विधानसभा ही सब कुछ देखती है पंचायती राज को संस्थान को अधिकार ही नहीं दिया आपने तो बड़े मुद्दे हैं जो एजुकेशन का है या स्टेट में हेल्थ का मुद्दा है जो आज पंचायत के आप में होना चाहिए लेकिन नहीं है पैसा भी नहीं है इनके पास यहाँ पर चलिए सर कुछ और मुद्दों की बात करें कुछ और मुद्दों की बात करें सर आपके साथ कुछ और मुद्दे भी हैं जी हाँ कुछ और मुद्दे हैं सर आइए दोस्तों ढूंढते हैं कौन से मुद्दे और हैं हमारे पास ठीक है इसके अलावा सर संरचनात्मक कमियाँ काफ़ी सारी हैं सर संरचनात्मक कमियाँ काफ़ी सारी हैं क्या मतलब है सर इसका कि यहाँ पर कोई सचिवालय नहीं होता हमारे एम के इसके साथ एम के साथ एक सेक्रेटरी घूमता है सचिवालय होता है बाकायदा उनको सपोर्ट करने के लिए एक टेक्निकल बॉडी होती है पंचायत में ऐसा नहीं है सर सेक्रेटरियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती यहाँ पर उनको तो ऐसे में तकनीकी सलाहकार नहीं है आपके पास आपका सचिवालय नहीं है तो काम कैसे करेंगे आपको बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं दे कई बार गाँव के लोग हमारे पंच सरपंच और शिक्षा भी नहीं है कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा बहुत ज़्यादा सपोर्ट केंद्र से राज्य से तो ऐसे में संस्थाओं का फेल होना पक्का लाजमी है यहाँ पर इसके अलावा सर एडोकज्म प्रेजेंस ऑफ एडोकिजम मालूम ही नहीं तो करना क्या है यार ग्राम सभा की मीटिंग होनी है क्या एजेंडा है किस पर डिस्कस करना है ग्राम सभा को बैठ गए आके फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चाय पीना चाय पी आराम समोसा खाया चल दिया यहाँ पर तो एडवोकज्म है कि एक रेगुलरिटी नहीं है मीटिंग्स में किस सब्जेक्ट पर मीटिंग करनी है फंक्शन क्या क्या है मेरे इसका ही काम नहीं मालूम इनको यहाँ पर लैक ऑफ क्लियर सेटिंग ऑफ एजेंडा जी हाँ मीटिंग का एजेंडा क्या होना चाहिए इस बारे में जानकारी नहीं होती इनके पास इसके अलावा सर पंचपति जानते ही हैं आप लोग पंचपति कॉन्सेप्ट तो हमने देखा कि किस प्रकार महिला सीटें रिजर्व की जाती हैं लेकिन देश में ये जो कॉन्सेप्ट है पंचपति का या प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन का कोई और चुना गया उसके नाम पर कोई और अपने अपना अधिकार कर रहा है अधिकार चला रहा है आ, मैं पढ़ रहा था केस है हम यूपी के आजकल बहुत सारे केस आते रहते हैं उसमें था कि एक एक, एक शायद आ, मैं गलत नहीं हूँ तो वीडो पर्सन था उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी बहुत अर्ली एज में और वो शायद पैंसठ साल पैंसठ साल के आसपास था वो और उसको उम्मीद था कि वो चुनाव लड़ेगा लेकिन उसकी सीट विमेन सीट में कन्वर्ट हो गई विमेन रिजर्व सीट हो गई तो उसने पैंसठ साल की आ में शादी इसलिए की कि उसकी पत्नी आएगी वो चुनाव लड़ेगी और वो सारा रूल देखेगा वहाँ का जो उसने मेहनत किए पाँच साल तक पीछे मैं क्षेत्र में काम किया लोगों भी के बीच जाके काम किया है उसने तो वो बेकार हो गया सारा मेहनत बेकार हो गई उसकी उसको लगा तो बेहतर है शादी कर ली जाए वाइफ होगी घर में तो उसको चुनाव में खड़ा किया जाएगा और उसके नाम पर रूल किया जाए उसके नाम पर शासन चलाया जाएगा तो ऐसे में समझ सकते हैं आप ये पंचपति का जो तो कॉन्सेप्ट है अपने आप में ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है हमारे यहां पर ठीक है सर मतलब ये बात तो सही है मतलब मतलब जितना मैं जानता हूँ परिचित हैं जितना फील्ड में रहे हैं अभी तो फील्ड में नहीं जाता हूँ आजकल लेकिन काफ़ी सारे फील्ड में हम लोग घूमते थे मैं अनुभव हमेशा अनुभव किया है ये चुनाव बहुत ही कठिन मतलब है मतलब जितना ये चुनाव होता है ना मतलब आप कह हैं तो सांसद चुनाव जितना आसान है मेरे ख्याल से एमएलए का चुनाव जितना आपके लिए आसान है प्रधान पद का चुनाव प्रधानी पद का चुनाव जितना आसान नहीं है मतलब आप गारंटी हो नहीं सकती कि चुनाव जीत जाएंगे यार इतना कंपटीशन यार इतना कंपटीशन इतना पैसा खर्च करो घर घर जाओ गेट गेट जाओ समझाओ उसको पुर्खों की दुश्मनी किसी की है आपको तो वो याद दिलाएगा आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी ने ऐसा किया था मेरे खानदान के साथ उसके लिए माफ़ी मांगो उससे हाथ जोड़कर मतलब क्या क्या नहीं करना पड़ता तो क्योंकि हर चीज़ याद रहती है गाँव केड़े में सब याद रखते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हर घर जानता है कि अभी काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा मेरा काम मेरा पर्सनल काम क्षेत्र का विकास नहीं मेरा विकास किया कि नहीं किया तुमने इसकी बात करो तो बड़ा टफ़ कॉम्पिटिशन इलेक्शन में यहाँ पर चलो उसकी बात कभी और करेंगे हम लोग यहाँ पर ठीक है चलिए सर इसके अलावा एन पॉइंट बात होती है सर यहाँ पर तो पैसा नहीं है राज्यों इनके पास हमेशा मिलता है सर तो पैसा मिलना चाहिए जो कि नहीं होता तो कुछ समस्याएँ कुछ इशूज़ सामने आए आ, मैं कहूँ अगर फंड्स की कमी है एम पी एम एल हस्तक्षेप करते हैं आज़ादी नहीं है पंचपति कॉन्सेप्ट महिलाओं के अधिकार तो नहीं महिलाओं चुनाव तो लड़ रही नहीं पंचपति कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर कई चीज़ें सब मुद्दे आपको समझ में आ रहे होंगे इस आर्टिकल संबंधित सर तो यहाँ पर आपको समझ में आए आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें जो हमें जोड़नी है अपने आर्टिकल में क्या मुद्दे हैं मूल्यांकन किया सफलताएं हैं लेकिन कुछ मुद्दे हैं आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर आपके साथ सुझाव हैं कुछ सर आपके पास कैसे मुद्दे देखे भटक जाएंगे यहाँ से हम लोग सुझाव हैं जी हाँ वी एफ सैनल सर्टन हमारे पास कुछ सजेशन है हमारे यहाँ पर सजेशन क्या है तो पहली बात तो भैया राजकोषीय संघवाद का पालन करो चुपचाप समूह सब लोग इसको लेकर बहुत स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि पैसा पहुँच पाए राजकोषीय संघवाद फिजिकल फेडरलिज्म को ढंग से लागू करो जैनुअन फिजिकल फेडरलिज्म वी नीड अ जेनुअन फिजिकल फेडरलिज्म हमें राजकोषीय संघवाद का ढंग से पालन करना होगा डिवे मनी को नीचे तक पहुंचाना होगा सर सेकेंड ए की रिपोर्ट है जो छठवीं रिपोर्ट है रिगार्डिंग लोकल गवर्नेंस इसकी रिकमेंडेशन को क्लियर कट रूप से लागू करना होगा सर इसकी जो रिकमेंडेशन है सिक्स सेकेंड ए की छठवीं रिपोर्ट है रिगार्डिंग लोकल गवर्नेंस इसको ढंग से लागू करना होगा तभी बात बनेगी सर तो सेकेंड ए की रिपोर्ट लागू कीजिए इस कमंडीशन लागू कीजिए इसके बारे में सर लाइक स्टेट कर्नाटक केरल ने से काम किया है सर वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कर्नाटक केरल ने क्या है? बता दूँ मैं आपको दोस्तों आ, जैसे कर्नाटक की बात करें वहाँ पर क्या किया गया सर एक सेपरेट ब्यूरोक्रेटिक कैडर बनाया गया है कि भैया से आप कहते हैं ना आई एस अधिकारी एस डी एम अधिकारी ऐसे पंचायत स्तर पर भी एक पूरा एक कैडर तैयार किया गया है जो सलाह देगा जो एडवाइस करेगा असिस्ट करेगा अपने पंच को सरपंच को वहाँ पर तो एक पूरा ब्यूरोटिक कैडर तैयार किया गया है आप पंचायतों को वहाँ पर तो एक अच्छी बात है सर जैसे पंचायतों के पास टेक्निकल नॉलेज होती है उनके पास एडवाइज़र होते हैं उनके पास भी डिसीजन मेकिंग करना सलाह देने के लोग होते हैं तो अच्छी बात होती है सर यहाँ पर तो हम देखते हैं कर्नाटक में किस प्रकार काम किया गया है तो कर्नाटक और केरल ने भी सर काफ़ी काम किया इस दिशा में सर इसके अलावा नीड फॉर बॉटम अप प्लानिंग जी हाँ योजना नीचे से बन के ऊपर आए अभी ऊपर योजना बनती है नीचे तक फ्लो होता है फंड का ऊपर योजना बनी योजना जाएगी नीचे तक और पैसा जाएगा नीचे तक कई बार हम समझ ही नहीं पाते उस गांव को पानी की आवश्यकता है स्कूल की आवश्यकता सड़क की आवश्यकता मंडी की आवश्यकता है या अस्पताल की आवश्यकता है अब पता लगा अस्पताल था अब कह दिया बेट ठीक है अब अस्पताल के लिए पैसा दिया जाता है ऑलरेडी अस्पताल था रिक्वायरमेंट एजुकेशन की वहाँ ज़्यादा थी ड्रिंकिंग वाटर की थी पानी की थी सड़क की थी और मंडी की थी वो नहीं दे रहे हैं हम लोग दोबारा उसी के लिए फंड आ तो ये नहीं होना चाहिए हमें लोकल अप बॉटम अप प्लानिंग करनी होगी यानी हमें नीचे से लोगों से पूछना होगा उनको उनकी रिक्वायरमेंट क्या है ये रिक्वायरमेंट ऊपर तक जाएँ और फंड ऊपर से नीचे आए तो जो डीएम रोल प्ले करता है वो ये रोल प्ले करे दोस्तों यहाँ पर डी एम का रोल यही होता है कि वो नीचे की डिमांड को ऊपर पहुँचाए और ऊपर से पैसे को नीचे पहुँचाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग है एक साल पहले मैंने एक लेक्चर लिया था दोस्तों इक्कीस अप्रैल का दिन था नेशनल सिविल सर्विस डे लास्ट ईयर नेशनल सिविल सर्विस डे इक्कीस अप्रैल का लॉकडाउन का टाइम चल रहा था उस समय एक लेक्चर लिया था मैं सिविल सर्विस डे के दिन इक्कीस अप्रैल को उस लेक्चर में बहुत तरीके अच्छे समझा था डीएम का रोल क्या होता है कैसे बदल रही है ब्यूरोक्रेसी आज के डेट में और वहाँ मैंने इसका उल्लेख किया था इस बात का कि बॉटम अप प्लानिंग बन रही है हो रही है आपकी भूमिका बदल रही है समय हो तो जरूर देख लीजिएगा नेशनल सिविल सर्विस डे एंटर कीजिएगा आशीर्वाद सा टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर एक वीडियो मिलेगा आपको इक्कीस अप्रैल साल दो का उसको देखना चाहें देख सकते हैं आप लोग मदद तो आएगी आपको यहाँ पर जोड़ पाएंगे सब चीजों को दोस्तों आप ठीक है ठीक है और क्या करना चाहिए सर और सलाह क्या है हमारे पास यहां पर और सलाह क्या है सर आइए दोस्तों और सलाह क्या है हमारे पास है कुछ देना चाहें सलाह यहां पर हम लोग ठीक है इसके अलावा सर इसके अलावा क्या, क्या करना चाहिए केंद्र को उन राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए जो क्या कर रहे हैं सर जो पंचायतों तो पैसा पहुंचा रहे हैं सेंटर स्टेट को पैसा दे उन स्टेट को प्रोत्साहित करे मोटिवेट करे इंसेंटिव दे जो अपनी पंचायती राज संस्थानों तक फंड्स पहुंचा रहे हैं ये तुम पहुंचाओ नीचे बेटा हम तुम पैसा देंगे तुम करो तो सही परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट तुम प्रदर्शन करो हम तुम्हारे साथ हैं ठीक है ये सेंटर काम करना होगा सर इसके अलावा सर ट्रेनिंग शुड भी दिया हमें अपनी लोकल गवर्नेंस के अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी होगी सर दो नहीं है इसमें हमको यहाँ पर ट्रेनिंग देनी होगी यहाँ पर ठीक है इसके अलावा सर द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्सिटेशन सोशल एम्पावरमेंट मस्ट सीड द पोलिटिकल एम्पावरमेंट जी हाँ सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ावा देना होगा हमको यहाँ पर तभी कन्वर्ट हो पाएगा पोलिटिकलेशन में महिलाएँ तो चुनी जाती हैं लेकिन महिलाएं रूल नहीं करती चुनी जाती हैं तो रूल भी करें उसके लिए ज़रूरी है कि चुने जाने पर क्योंकि घर में उनकी वैल्यू बढ़े घर में उनका सम्मान बढ़े तब होगा जब एजुकेशन प्रसार होगा कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होंगे सोसाइटी के अंदर जो गंदगी आ गई है वो दूर की जाएगी हमारे यहाँ पर चलिए दोस्तों हमने देखा किस प्रकार अभी हाल में रिफ़ॉर्म करने का प्रयास किया था लेकिन वापस हो गया वो राजस्थान हरियाणा में किस प्रकार में देखा था मिनिमम एजुकेशन को क्वालीफाई अनिवार्य कर दिया था आ, सरकारों ने फिर वापस ले लिया उन्होंने कदम प्रेशर में या कई और तकनीकी कारणों से लेकिन किस प्रकार आप एजुकेशन कंपलसरी कर सकते हैं पंचायती राज में इससे कहीं ना कहीं शिक्षा होगी तो शायद और भी चीज़ बेहतर होगी समय के साथ यहाँ पर इसके अलावा सर एम ए एम पी एम एल ए को हमें देना होगा डायरेक्शन यहाँ पर कि वो लोकल पंचायतों को काम करने से हस्तक्षेप ना करें बल्कि उनको सहयोग करें उनकी डिमांड्स को सुने आराम से यहाँ पर वो तो ये कुछ सुधार करते हैं अगर हम लोग तो शायद आप मान सकते हैं कि स्थिति बेहतर हो सकती है जोड़ पाएंगे दोस्तों कहानी को आप लोग यहाँ पर जोड़ पाएंगे उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपके साथ जोड़ लीजिएगा चलिए तो ये है आर्टिकल दो दोस्तों आपका क्या आर्टिकल क्लियर है आपको ये क्या आर्टिकल क्लियर हो गया दोस्तों आपको बताइए मुझे फटाफट आर्टिकल नंबर दो था आपका थोड़ा तो लंबा चला गया लेकिन काम का आर्टिकल था ये सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको तो बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ थी पंचायत अभी कुछ पर देखा था मैंने लास्ट लॉकडाउन में मतलब पिछली बार अमेज़न प्राइम पर शायद स्क्रीन पर थी मेरे ख्याल से वो बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ थी पंचायत वो टाइम मिले अभी तो नहीं मिल पाए एग्जाम के बारे में टाइम मिले ज़रूर देख लीजिएगा बड़ा मजे कॉमिक भी है कॉमिक सेंस भी है और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है और ग्रास रूट समस्याँ दिखाई हैं उसके अंदर कुछ आप समझ पाएंगे जानते सभी हैं आप लोग आप लोग ज़्यादा जानते हैं बेहतर उनसे उन डायरेक्टर से लेकिन देखेंगे तो याद रहेगा लंबे समय तक आपको चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे चलते हैं आपके साथ तीसरा आर्टिकल मूव करता हूं मैं थर्ड आर्टिकल आपका इंडिया जापान एंड एफ ठीक है देर इज रूम फॉर मोर एफ डी आई फ्रॉम जापान आये दोस्तों बात कर लेते हैं आपके साथ ये क्या आर्टिकल है देखिए भारत-जापान एफ डी आई कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है क्या क्या जगह एफ डी आई की संभावनाएं हैं और क्या ही भादिकन अच्छा है अच्छा आर्टिकल है क्योंकि भारत जापान संबंध मान के चलता हूं अगले दो चार साल तक यूपीएससी के आ, कहते हैं हम लोग कोर आस्पेक्ट में शामिल रहेंगे हमने देखा लगातार बैक टू बैक दो सालों से क्वेश्चन इस बार भी रहेगा मेन्स में और उम्मीद करते हैं अगले सालों में क्वेश्चन दिखेंगे हमको इस पर आइए बात करते हैं भारत जापान संबंधों पर आपके साथ क्या यहाँ पर, पर पर्टिकुलरली एफ डी आई के केस में ठीक है सर आइए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं आपके साथ क्या है इसमें ठीक है इन पॉइंट बात है भारत जापान की बात करें तो जापान भारत में ना केवल एफडीआई की तो बात बाद में आई है पहले भारत जापान भारत को सहायता करता है ओडीए की बात करें सर भारत को सहायता मिलती है जापान सर ओ के फॉर्म में ओडीए क्या है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस अपनी भाषा में कह लीजिए दान अनुदान लोन आ, सस्ते लोन यानी हमको सहायता मिलती है जापान से लगभग चार अरब डॉलर मिली है सहायता हमको सर वार्षिक रूप से जी हाँ एनुअली हमको चार अरब डॉलर की सहायता मिलती है सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाती है ग्रीन टम में खर्च होती है लगभग आप समझ सकते हैं चार एफ नहीं है ये कंपनियाँ नहीं है सरकार वहाँ की अनुदान दे रही है दान दे रही है लोन दे रही है सस्ते लोन दे रही है हमको चार अरब डॉलर के दोस्तों जब पैसा कहाँ जा रहा है हाई स्पीड रेलवे में जा रहा है सर जो बन रही है हमारे यहाँ पर ग्रीन फॉर्म में खर्च हो रहा है हमारे यहाँ सोलर पावर में जा रहा है पैसा कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहा है ठीक है सर ये तो एक काम हो गया जो जापान आपकी मदद कर रहा है इसके अलावा सर पिछले में क्वाड बन गया सर क्वाड की लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है ठीक है कोई मुश्किल नहीं है सर अपने आप में ठीक है अब आइए मेन आर्टिकल पर आता हूँ दोस्तों मेन आर्टिकल पर मैं आता हूँ आपके साथ यहाँ पर फॉर जापान द लेवल ऑफ ओ डी एंड एफ डी आई आर स्ट्रेटेजिक इंडिकेटर एंड इट सीम्स डिटरमाइंड टू यूज दिस एनहेंस द पार्टनरशिप विथ इंडिया जी हाँ जापान के लिए वहाँ से जो अनुदान हमको दे रहा है ओ डी ए और जो वो निवेश कर रहा है भारत में एफ डी आई ये उसके दो टूल्स हैं जिसके जरिए वो भारत के साथ और अधिक जुड़ सकता है भारत के साथ वो और अपनी पार्टनरशिप को मजबूत कर सकता है देखिए जापान के पास कोई ऐसा तो नहीं गोला बारूद है कोई हथियार वह सुफिकस्टेड नहीं है उसके पास कुछ ऐसा भी नहीं है कुछ उसके फाइटर जेट उसके पास हम ले लेंगे उससे वो भी नहीं है उसके पास तकनीक है पैसा है और तो, अल्टीमेटली वही बात है सर और हमको वही चीज़ चाहिए तो भारत को या तो कोई तो को सपोर्ट करे देश की भी पाकिस्तान से लड़ने में मदद करें मेरी हथियार हथियार मुझको दे तब अच्छा लगता है या फिर कोई देश मुझे आप इकोनॉमी में सपोर्ट करें भाई तब अच्छा लगता है तो जापान वो देश है जापान से हम जोड़ सकते हैं इकोनॉमिक वाइज तो ओडीए एफ डी जापान से आएगा तो भारत जुड़ना चाहेगा जापान से ठीक है सर ये हमारा गोल भी है जापान से पार्टनरशिप करने का आइए कुछ और बात करें तो जापान के लिए भारत तो ज़रूरी है ही है साथ ही साथ सर साथ ही साथ समझिएगा ये बहुत काम का वर्ड है एस वी आर आई स्ट्रेटेजिक रिजिलियंट वैल्यू चेंस आपूर्ति श्रृंखलाएँ चीन के कोरोना वायरस के बाद दुनिया में एक स्टडी चल रही है चाइना प्लस वन रणनीति मैंने बार बार कहा इस बात को चाइना प्लस वन रणनीति उम्मीद कर रहा हूँ याद होगा चाइना प्लस वन मैंने कौन सौ पहले आई डब्ल्यू सेशन में लिया था इसके ऊपर चाइना प्लस वन पर आपके लिए चाइना प्लस वन आजकल दुनिया की कंपनियाँ सोच रही हैं कि चीन के अलावा एक अन्य जगह भी उन्हें उत्पादन करना चाहिए कभी चीन लॉकडाउन हो जाए चीन में कुछ वॉर हो जाए अमेरिका के साथ जितने संबंध खराब हो रहे हैं चीन के तो उनके पास एक अन्य विकल्प होना चाहिए जहाँ सप्लाई चेन बनी रहे ऐसा ना सब चीन पे निर्भर हो गया सारा का सारा पैसा वहीं लगा दिया चीन बंद तो उनका सब कुछ प्रोडक्शन बंद हो गया ऐसा नहीं अब दुनिया की कंपनियाँ सोचती हैं चाइना के अलावा एक ऑल्टरनेट स्थान भी उनके पास होना चाहिए तो चाइना प्लस रणनीति वन, वन जापानी कंपनी हैं वो सोचती हैं जापान को मैं उत्पादन करती हैं वो वो चीन में उत्पादन कर रही हैं बड़े स्केल पर अब मानती चीन के अलावा भी एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ वो उत्पादन कर सकें तो चाइना प्लस रणनीति के तहत भी इंडिया उनके लिए इन पॉइंट हो जाता है जी हाँ उनको रीलोकेट करना है अपने आप को तो ऐसे में इंडिया उनके लिए एक बड़ा भाग बन जाता है तो एफ डी आई बढ़ने सामना यहाँ बढ़ जाती है अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर लेकर आपको वाई एफ ठीक है क्यों हमें एफ़ मिलेगा चाइना से यहाँ पर आते हैं आपके साथ हमें जापान क्यों एफ करना चाहता है भारत में समझेंगे एक तो मेंबर बिंग ऑफ क्वाड मेंबर है क्वाड का पार्टनरशिप की आवश्यकता है उसको हमारे साथ पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है जापान को सर चाइना प्लस वन रणनीति है उसकी सर चाइना प्लस वन कंपनियों का मानना है इसके अलावा सर चाइना के साथ जो उसका विवाद लगातार बढ़ रहा है विशेषकर साउथ चाइना सी में या सेन काकू आइलैंड में जो विवाद बढ़ रहा है चाइना के साथ उसका वो एक सीधी कंप्यूटर की बात आ रही है यहाँ पर इसके अलावा जापान एफ क्यों करे भारत में क्योंकि जापान भारत को एज अ पॉइंट मानता है मीडिएटर पॉइंट मानता है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जैसे सर जापान मानता है कि भारत में उसकी फैक्ट्रियाँ काम करती हैं जापान पैसा लगाएगा इंडिया में आके फैक्ट्री काम करेगी तो यहाँ जो माल बनेगा वो जा सकता है मिडिल ईस्ट के बाज़ारों में अफ्रीका के बाजारों में इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकता है यानी जापान और भारत मिलकर यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तीसरे देश के अंदर जापानी कंपनी पैसा लगाएगी तकनीक लेकर आएगी हम जमीन देंगे लेबर देंगे और उत्पादन होगा इंडिया में और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट होगा मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को अफ्रीका के देशों को जहाँ जापान अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है जी हाँ तो थर्ड एक्सपोर्ट टू थर्ड पार्टी जिन पॉइंट बात है अपने आप में एक्सपोर्ट टू थर्ड पार्टी तीसरे पक्ष को निर्यात करना इन पॉइंट पार्ट है दोस्तों काफ़ी ये कि भारत जापानी कंपनियां निवेश करें तकनीक लेकर आए कारें बनाएं सामान बनाएं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाएं और यहां से भारत एक्सपोर्ट करें तो लॉजिस्टिक आसान हो जाएगा सप्लाई चेन हो जाएगी तो सप्लाई चेन ही तो होती है जापानी कार कंपनी कंपनियाँ कार बना के नहीं लाएँ वो यहाँ पर आके कार बनाएं और यहाँ से कार बेची जाए मिडिल ईस्ट अफ्रीका के बाजारों में ये हमको एक रणनीति का पार्ट है एक्सपोर्ट टू थर्ड कंट्री इसलिए जरूरी है जापान के लिए चाइना इंडिया का होना यहाँ पर सर इसके अलावा एक बड़ा कारण और भी है आ, मैं ऐसा कहूँ कि जापानी निवेशक अपने घर में निवेश नहीं करते पैसा प्रॉफिट मिलता ही नहीं है उनको अब सोचिए कि बड़ी बस सीधी बात कही जाती है मालूम एक बात कही जाती है इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं तो अपने बाहर जाके निवेश करते हैं ठीक है अपने बाहर जाके वो निवेश करते हैं यानी उनके देश में हमेशा डॉलर की मांग रहती है उनकी करेंसी तो नहीं लेके जाएंगे वो अपनी तो वो अपनी करेंसी अपनी लोकल बैंक को देते हैं सेंट्रल बैंक को देते हैं उसे डॉलर लेते हैं फिर डॉलर जाके निवेश करते हैं अब एक छोटा सा मैं पॉइंट बताइए यदि मैं मैं आशीर्वाद अपने आर के पास गया डॉलर की मांग कर रहा हूँ लाइए मुझे पैसा निवेश करने जहाँ डॉलर दीजिए और कोई गया डॉलर की मांग करने और कोई गया डॉलर की मांग करने आर के पास तो भारत में डॉलर महंगा होगा या सस्ता होगा सब डॉलर की डिमांड करेंगे डॉलर महंगा हो जाएगा यानी एक डॉलर जो पहले पचास रुपये का मिलता था आराम से मुझे सत्तर का हो जाएगा अस्सी का हो जाएगा नब्बे का हो जाएगा यानी आर बी आई करें लाओ नब्बे रुपये लाओ तब डॉलर दूंगा मैं आपको क्योंकि तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही सब लोग बाहर जा रहे हैं निवेश करने ठीक है जापान में एक बात कही जाती है अब सोचिए जापानी करेंसी मान लीजिए उनकी करेंसी ये है उसकी बात में करूँ तो अगर उनकी करेंसी मजबूत हो रही है बहुत सिंपल सी बात जापान की हम कहते हैं हमारा रुपया अस्सी हो जाए तो अच्छा लगेगा सत्तर होगा और अच्छा लगेगा साठ होगा और खुश होंगे हम लोग जापानी खुश नहीं होते इस बात से उनकी करेंसी अगर मजबूत होती है डॉलर के सापेक्षा तो निराश हो जाते हैं जापान की करेंसी का मजबूत होना दुनिया में मंदी का संकेत होता है आप सोच सकते हैं इस बात से कि जापान कितना बड़ा निवेशक है दुनिया भर के लिए फिर सुन लीजिए मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ यदि जापानीज करेंसी स्ट्रांग हो रही है इसका मतलब दुनिया में मंदी आने वाली है जी हाँ ये बहुत मानी हुई बात है अपने आप में जापानी करेंसी कब स्ट्रांग होगी जब जापान में करेंसी के बदले डॉलर की मांग कम हो जाएगी डॉलर की मांग कम होगी इनकी करेंसी मजबूत होगी डॉलर की मांग कम होगी यानी जापानी निवेशक डॉलर नहीं मांग रहा अपने बैंक से यानी वो डॉलर निवेश करने नहीं जा रहा बाहर और जब वो निवेश करने नहीं जा रहा तो दुनिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो दुनिया ने मंदी की ओर जा रही है बहुत सीधी बात है तो ग्लोबल फिनॉमिना है अपने आप में दोस्तों ग्लोबल फॉनॉमिना है यहाँ पर और ऐसे में ऐसे में दोस्तों जापान के निवेशक चाहते निवेश करते रहें उनको डेस्टिनेशन चाहिए निवेश करने के लिए अब यूरोप और अमेरिका के बाज़ार पैसा कमा के देते हैं नहीं है उनको अब वो ज़्यादा नहीं जाते बाज़ारों में आशियन में जाते हैं वो लोग वो अफ्रीका में जाएंगे वो चाइना में जाते थे बड़े स्केल पर अब वो अपना डेस्टिनेशन बदलना चाहते हैं वो चाहते हैं भारत एक उभरता हुआ मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकता है तो जापानी निवेशक के लिए भारत एक गोल्डन डेस्टिनेशन है समझ पाए इस बात को हम लोग जापानी निवेशक के लिए भारत एक गोल्डन डेस्टिनेशन क्यों कह रहा हूँ मैं गोल्डन डेस्टिनेशन उसके लिए फ़ायदा कमा के देंगे यार सोने के अंडे देने मुर्गे हैं हम लोग उसके लिए जी हाँ बिल्कुल हम सोने के अंडे देंगे उसके लिए मुर्गी बन गए हम लोग यहाँ पर तो सोने के अंडे देने मुर्गी है भारत उसके लिए दोस्तों उसका मतलब क्या है सर इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में जापानी कंपनी का निवेश करती है तो उससे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और इसलिए जापान एफ को बढ़ाना चाहता है तो कई कारण उसके पास हैं दोस्ती मजबूत होगी चाइना प्रेशर पड़ेगा एक्सपोर्ट करेगा चाइना प्लस रणनीति का हिस्सा है स्ट्रेटेजिक चेन बनेंगी उसकी और कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिलेगा तो कई कारण हैं जिससे जापान जिस कारण जापान निवेश करना चाहता है भारत के अंदर ठीक है सर अब वो कहाँ का निवेश कर रहा है क्या क्या वो किस तरीके से निवेश कर रहा है ये उस पर चलते हैं एक बार आपको लेकर तो रूट तो आपने देख लिया तो रूट क्या क्या है वो जान लेते हैं एक बार आपके साथ क्या हो दोस्तों सब ठीक है हमारे बीच चलिए अंतिम पाँच मिनट दीजिए दोस्तों मुझे कहाँ का निवेश कर रहे हैं वो लोग जी हाँ निवेश कर रहे हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों अब संरचना में अब दो चार प्रोजेक्ट गिना दीजिए मुझे फटाफट आप लोग बुलेट ट्रेन से लेकर पावर प्रोजेक्ट सोलर पावर दिल्ली मेट्रो बहुत जगह निवेश कर रही हैं कंपनियाँ तो मुख्यतः बुलेट ट्रेन है सर डी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डी दिल्ली से मुंबई तक का इसके अलावा सर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे बुलेट ट्रेन बोलते हैं से आप लोग दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे बुलेट ट्रेन बन रही है सर ठीक है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है सर ठीक है अब अफसरचना प्रोजेक्ट हो गया सर इतना काम अब यावसरचना हो गया सर इसके अलावा वहाँ की कंपनियाँ भारत में आ, मैं कहूँगा मर्जर एक्विजिशन कर रही हैं मर्जर एंड एक्विजिशन यानी होता है हिंदी में सर विलय और अधिग्रहण कर रही हैं सर वहाँ की कंपनी भारत में आकर वहाँ की कई कंपनियों ने भारत की कई कंपनियों को ख़रीद लिया है तो अच्छा नाम अगर आपको याद हो तो अच्छा रहे तो कोई बात नहीं जैसे मुझे नाम याद अभी भी खड़े खड़े नाम याद आ रहा है जो है रनबैक्सी हमारी कंपनी हुआ करती थी सरदार जी कंपनी थी रनबैक्सी हमारे यहाँ पर उससे साइको ने खरीद लिया साइको कंपनी वहाँ किसने खरीदा अच्छी साइको उसने खरीद लिया उस कंपनी ने और ऐसी कई कंपनी भारत में आई हैं जिन्होंने जिसको उन्होंने खरीदा है दो चार के नाम और देख लेते हैं हम लोग आपके पास आर्टिकल में लिखे हैं इनके नाम मैं शेयर करना डेटा यहां पर सुनिएगा डेटा क्या है सर डेटा यहां पर कह रहा है दोस्तों आपकी लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं सुन लीजिए ये कह रहा है पिछले कुछ सालों में सौ से अधिक अधिग्रहण हुए हैं सर 2015 से 20 के बीच 100 भारतीय लगभग सौ कंपनी का अधिग्रहण किया जापान ने और लगभग दस बिलियन डॉलर खर्च किया भारत में कंपनी खरीदने के लिए दोस्तों उसने जी हाँ लगभग दस बिलियन डॉलर खर्च किया है सर उसने कंपनी खरीदने के लिए भारतीय कंपनी खरीदने के लिए सर जैसे कुछ नाम मैं चाहूँगा कंपनियों को उल्लेख करना आपके साथ जैसे सर एग्जांपल आपको दिख रहा है तीन अरब डॉलर का निवेश हुआ था सर तीन अरब डॉलर का निवेश किया था सर और ने खरीदा था विंड एनर्जी एसेट खरीदी थी यहाँ पर यनमार फॉर ट्रैक्टर्स जे के टी इंट तो कई कंपनी नाम आते हैं मुझे दाइची साइको नाम फेमस है रेनबेक्सी खरीदा था कुछ साल पहले तो काफ़ी बड़े निवेश मर्जर एक्वेसन फील्ड में आ रहे हैं जी हाँ इस फील्ड में निवेश हो रहा है सर विलय अधिग्रहण कर रहा है पिछले दो से लेकर बीस के बीच में दस अरब डॉलर का विलय अधिग्रहण किए हैं सर और क्या जापान कहाँ निवेश कर रहा है सर जापान का स्पेशल फोकस है भारत के नॉर्थ ईस्ट में सर भारत के नॉर्थ ईस्ट में निवेश कर रहा है जापान शायद चाइना बॉर्डर इसलिए पास में है इसलिए निवेश कर रहा है नॉर्थ ईस्ट वन पॉइंट सेक्टर है उसके लिए जी हाँ सर इसके अलावा रूट की बात करें और कहाँ निवेश कर रहा है जापान भारत में सर इसके अलावा भारत में जापान निवेश कर रहा है हमारी पीएलआई स्कीम में जी अभी लॉन्च किया पी एल आई स्कीम कुछ दिनों पहले वो बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है जापान के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना सरकार की वहाँ जापान काफ़ी रुचि दिखा रहा है निवेश करने में भारत के साथ हम बात करें दोस्तों सुन लीजिए पी स्कीम की बात करें सर तो यहाँ पर जापान काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स अपलाइंसेज में आदि में जापान निवेश कर इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाइंसेज में मेडिकल डिवाइस में फूड प्रोसेसिंग में जापान निवेश करना चाह रहा है पी हमारे साथ तो पी एल स्कीम उसके लिए एक बड़ी चीज़ है सर ठीक है सर इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर की बात करें बड़ा सेक्टर है टेलीकॉम सर टाटा डोकोमो का नाम ज़रूर सुना होगा आपने पहले चलती थी कभी टाटा डोकोमो डोकोमो कहाँ की थी जापान की थी अब जापान निवेश करना चाहता है भारत के फाइव नेटवर्क में क्योंकि चाइना को हम जगह नहीं दे रहे फाइव जी में तो जापान मदद करना चाहता है फाइव में हमारे साथ तो ये रूट है निवेश करने का इसके अलावा बताया मैंने आपको चाइना प्लस वन रणनीति जापान की है ही है चाइना प्लस रणनीति जापान की निवेश करना चाहता है वो भारत के साथ जिससे हम एक्सपोर्ट कर सके थर्ड कंट्री को ठीक है तो काफ़ी कुछ है दोस्तों जापान के अलग रूट्स हैं पैसा निवेश करने की क्यों करना चाहता है और किस तरीके से करना चाहता है हमको स्पष्ट हो चुका है हमें क्या करना होगा लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों हमें इसके लिए क्या करना होगा हमारी तैयारियाँ क्या होनी चाहिए इसके लिए आ, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमें क्या करना है सर सिंपल सा काम दोस्तों हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है इसके लिए कारोबार में सुगमता करनी है सर जिससे जापानी कंपनी निवेश कर सकें सर दूसरा सर पार्टनरशिप इक्वल पेट पार्टनरशिप यानी कि ऐसा ना हो कि केवल फायदा जापान को मिले फ़ायदा भारत को मिलना चाहिए रोज़गार टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट क्षेत्रीय विकास रीजनल डेवलपमेंट भारत को भी होना चाहिए ऐसा ना हो कि हम हब बन के रह जाएं केवल वो लाएं माल बनाएं बेच दें दिल्ली मुंबई चेन्नई दो तीन शहर में केवल कंसनट्रेट रखें वो नहीं हम चाहते हैं क्षेत्रीय विकास करें नॉर्थ ईस्ट का भी बिहार का भी उड़ीसा का भी केरल का भी हर जगह के विकास हों सर ये भी चाहेंगे हम साथ में पार्टनरशिप इक्वल लेवल की हो सर इसके अलावा सर आ, सप्लाई चेन में हम क्या चाहते हैं समझिएगा अभी ये करते क्या नहीं लोग आजकल जापानी बहुत चालाक हैं चाइना से बाहर निकल रहे हैं वो लोग वो जा रहे हैं वियतनाम में वो जा रहे हैं फिलीपींस में इंडोनेशिया में थाईलैंड में वहाँ जाए कंपनी खोलते हैं अपनी और वहाँ से माल बेचते हैं भारत को क्यों क्योंकि आशियान और भारत में फ्री ट्रेड है समझिएगा आशियान और भारत में फ्री ट्रेड है हालांकि जापान से ही फ्री ट्रेड है हमारा लेकिन जापान भी कम जापान में निवेश नहीं करती जापानी कंपनी सामने आती हैं चाइना के अंदर चाइना सामान आती हैं अब चाइना में सामान बनाती हैं तो उसके बाद भारत को बेचना मुश्किल है थोड़ा सा उनके लिए क्योंकि इंडिया चाइना का ट्रेड बहुत अच्छा नहीं है तो जापानी कंपनी अब क्या कर रही हैं आशियान में अपने बेस बना रही हैं आशियान बेस बना रही है क्योंकि आशियान से इंडिया का फ्री ट्रेड भी और चाइना का फ्री ट्रेड भी है तो दोनों जगह माल बेच पाएंगे यहाँ से फिर वो दोनों जगह माल बेच पाएंगे वो क्योंकि आसिया का फ्री ट्रेड है इंडिया के साथ और चाइना के साथ चाइना का ट्रेड नहीं है इंडिया के साथ फ्री तो ऐसे माल नहीं आ पा रहा था फ्री हमारा तो हमें क्या चाहिए हम चाहते हैं चाइना निवेश करें जापानी कंपनी हमारे यहाँ पर हमारे उत्पादन करें और यहाँ से माल आशिया लेके जाएं यहाँ से माल अफ्रीका लेके जाएं और यहाँ से माल मिडिल ईस्ट में लेके जाएं इसके लिए क्या करना होगा हमें फ्री ट्रेड करना होगा अफ्रीका के साथ हमें फ्री ट्रेड करना होगा गल्फ कंट्री के साथ जो संभव है जिसकी बातचीत चल रही है इससे क्या होगा जापानी कंपनी भारत में आएंगी प्लांट लगाएंगी हमारे देश को माल बेचेंगी अफ्रीका को माल बेचेंगी मिडिल ईस्ट को माल बेचेंगी हमें क्या करना होगा उसके लिए हमें पार्टनरशिप करनी होगी फ्री ट्रेड करना होगा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों के साथ जो ऑलरेडी बातचीत चल रही है तो फास्ट करा जाए प्रोसेस को और बाकी देशों के साथ मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाए तो शायद जापानी कंपनी को निवेशक भारत आ सकते हैं उम्मीद करो दोस्तों ये आर्टिकल यहाँ खत्म करता हूँ मैं ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि आर्टिकल समझ में आ गया दोस्तों बताइए मुझे फटाफट यस करके क्या ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया है दोस्तों चलिए फिर अगर आर्टिकल का में आ गया है तो मुझे दीजिए आ गया फिर आप लोग ठीक है चलिए तो फिर हम क्लास को रोकते हैं दोस्तों अपनी समय आगे क्लास को रोकने का आज बाकी याद रखिएगा टेस्ट आपके अभी 12 बजे टेस्ट होगा दोस्तों कुछ देर बाद अपना ऐप के ऊपर करंट अफेयर्स का एक और दो टेस्ट करंट अफेयर्स का दोस्तों तीन बजे अभी हाल फिलहाल इकोनॉमी का टेस्ट प्लान किया गया है और चार बजे हिस्ट्री का टेस्ट भी प्लान किया गया है कार्टन कल्चर का और फिर एनवायरमेंट का टोटल छह टेस्ट है दोस्तों आपके लिए आपके ऐप के ऊपर आज टेस्ट डे है अपना सुबह पीआईबी क्लास हो चुकी है वो आप देख लिया होगा आप लोगों ने इसके अलावा दोस्तों आज अपना क्लास होगा आपका करंट अफेयर्स का दिन भर क्लास मुलाकात चलती रहेगी आपके साथ उम्मीद करेंगे मिलते रहेंगे दिन भर आपके साथ तो दीजिए फिर मुझे आज्ञा भी के लिए दोस्तों मिलते हैं आपके साथ बारह बजे ऐप के ऊपर सब लोग आ जाइएगा बारह बजे टेस्ट देने फटाफट कोई छोड़िएगा मत मिलते हैं फिर बारह बजे तक दीजिए आज्ञा थैंक यू शुक्रिया दोस्तों जय हिंद